Hello students, welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. For today's class, we will continue our chapter number 2 of class 3, subject science. हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को एक्सप्लेन किया था, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2. तो फर्स्ट है जो हमारा, टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, प्लांट की जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. तो फर्स्ट का ए, टू पार्ट्स. सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज टैप रूट्स, किस में टैप रूट्स होते हैं, रेडिश में. तो सेकंड का बी. थर्ड, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ अ शूट, शूट का मेन पार्ट क्या होता है, स्टेम. तो थर्ड का बी. फोर्थ, डैश आर द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, लीव्स. तो फोर्थ का भी बी. फिफ्थ, फ्रूट प्रोटेक्ट्स द, फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आंसर इज सी, सीड्स. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. ये हमें वर्ड्स गिवन हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक में इनको फिल करना है. फर्स्ट, डैश इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. तो आंसर है रूट, आर डबल ओ टी, रूट. सेकंड, द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा. थर्ड, द कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स, PETALS, पेटल्स. फोर्थ, अ सीड कंटेन्स अ डैश प्लांट इन साइड इट, बेबी प्लांट. आंसर इज BABY, बेबी. फिफ्थ, डैश मेक फूड फॉर द प्लांट्स. तो आंसर है लीव्स, LEAVES, लीव्स. नाउ वी विल सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. जो टैप रूट है और फाइब्रस रूट है उसमें क्या अंतर है वो हमें लिखना है. तो आंसर है टैप रूट. टैप रूट इज द मेन रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो. टैप रूट वो रूट होता है प्लांट का जिसमें से छोटे छोटे से रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश और टर्निप जो है उसमें टैप रूट होता है. और इसी के साथ जो पेज नंबर 15 पे टैप रूट का डायग्राम है वो भी आपको कॉपी में बनाना है ब्लैंक साइड पे. ये जो टैप रूट का डायग्राम दिया है पेज नंबर 15 पे, इसे आपको फर्स्ट आंसर के सामने बनाना है. और फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट आर थ्रेड लाइक ब्रांचिंग रूट्स. जो फाइब्रस रूट्स है वो क्या होते हैं, एक धागे के जैसी ब्रांचेस होती हैं जिस रूट में, जो कि स्टेम्स में से ग्रो करते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट है, बीन्स है, टोमेटो है, इनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं. इसका डायग्राम पेज नंबर 16 पे दिया है, फाइब्रस रूट्स. इसको भी आपको CW में बनाना है. ये जो फाइब्रस रूट का डायग्राम दिया है इसको चैप्टर नंबर 2 में आंसर नंबर 1 के सामने टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों का डायग्राम बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं. आंसर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ स्टेम आर, स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स. स्टेम जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को. सेकंड, वो कैरी करती है पानी को, न्यूट्रिएंट्स को रूट्स से और फिर पूरे पार्ट्स में ट्रांसफर करती है. थर्ड पॉइंट है, वो फूड को भी कैरी करती है जो कि लीव्स बनाती हैं और फिर उसे सारे पार्ट्स में सप्लाई करती है. फोर्थ पॉइंट है, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स. और कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपनी स्टेम में ही फूड को स्टोर करते हैं.
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीव, लीव के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। आंसर नंबर थ्री इज द लीव हैज डिफरेंट पार्ट्स, लीव के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो मेन फ्लैट एरिया होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो थिन ट्यूब होता है जो कि लीव के मिडिल में रन करता है मींस मिडिल में रहता है उसे हम मेन वीन बोलते हैं, और जो लोअर सरफेस है मतलब लीफ के नीचे वाला सरफेस जिसमें टाइनी मींस छोटे छोटे से छेद होते हैं उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। और साथ ही पेज नंबर 17 पे ये जो पार्ट्स ऑफ अ लीफ का डायग्राम है इसको आपको अपने आंसर के सामने बनाना है प्लेन वाले पेज पे। ये लीफ बेस, स्टीप्यूल, पेटियोल, लीफ ब्लेड, टिप, वीन, एक्सिल, ये सब भी आपको लिखना है और सेम ऐसा ही डायग्राम आपको आंसर के सामने बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है। आंसर नंबर फोर्थ इज लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए खाना बनाती हैं, इसीलिए उन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट आर द थिंग्स दैट अ सीड नीड्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो कौन सी चीजें होती हैं जो सीड को चाहिए होती हैं एक नए पौधे में उगने के लिए। आंसर नंबर फाइव इज अ सीड नीड्स प्रॉपर सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीड होती है उसे प्रॉपर सनलाइट मींस सूरज की रोशनी, हवा और पानी चाहिए होता है एक नए पौधे में ग्रो करने के लिए। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको ये समझ आए होंगे और जो भी डायग्राम्स मैंने बताए हैं बनाने के लिए उन्हें भी आप अपने आंसर के सामने बना लें। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फिनिश होता है, इसको भी आप अपनी CW कॉपी में कंप्लीट कर लें और डेट के साथ इंडेक्स भी फिल कर लें। तो नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इतना वर्क कंप्लीट करके रखें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।